हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है अनएकेडमी डिफेंस स्क्वाड पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है। फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक बुलंद तरीके से पहुंच रही है या नहीं। एक टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, जिसमें बच्चे रहते हैं बहुत ज़्यादा परेशान, इस टॉपिक को आज हम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे यहीं ख़त्म करने की। तो एक बार फटाफट से सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और मुझे बता देंगे कि मैं उन बच्चों को सुनाई दे रहा हूँ या नहीं। एक बार फटाफट से बता दीजिए, एम आई ऑडिबल और नॉट? बताइए बेटा, फटाफट से एक बार सेशन को शेयर वेयर कर दो, लाइक वाइक कर दो, है ना। हमारी ये रात में क्लास होती थी, काफ़ी टाइम से रात में क्लास नहीं हो रही थी, हमने फिर से शुरू कर दिया रात में क्लास को करना। तो आज ये क्लास हमारी फिर से रात में हो रही है। आप लोग एक बार कमेंट करो और बताओ मुझे कि मेरी क्लास, मेरी आवाज़ आप लोगों तक, गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइस, मेरी आवाज़ आप लोगों तक बुलंद तरीके से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके फटाफट से बता देंगे, है ना। और एक बार बेटा, सारे बच्चों का काम अभी क्या है कि सारे बच्चे एक बार इस सेशन को शेयर करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना आप शेयर कर सकते हो उतना इस सेशन को आप शेयर करेंगे, है ना। मुझे ये आशा है कि आप शेयर ज़रूर करेंगे, हर हालत में शेयर करेंगे ही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। वेटिंग फॉर यू, ओके। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य, इस टॉपिक को हम लोग फटाफट से एक बार सारे बच्चे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं हूँ मैथ्स एडुकेटर। कई सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया है, मोर देन 4 ईयर्स एक्सपीरियंस और 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं अभी तक कर चुका हूँ मेंटोर। और आज की क्लास है टाइम एंड वर्क की। शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, हम शुरू करते हैं क्लास को। आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक बुलंद तरीके से, बहुत ही अच्छी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी मेरी। और कमेंट करते रहना, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे वहीं के वहीं कमेंट करके बताते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क को। देखो यार, यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार इसका बैकअप बना दूं, बैकग्राउंड आपके लिए तैयार कर देता हूँ, मतलब नींव एक बार बनाते हैं, फिर हम चढ़ाई करेंगे बिल्डिंग पर और टॉप पर पहुंचेंगे बेटा, डू नॉट वरी। तो एक बार शेयर कर दो, फटाफट से शेयर मारो, आप लोगों का जो भी व्हाट्सएप वगैरह है, जहां पर भी आप इंस्टा वगैरह यूज करते हो, सब जगह शेयर कर दो सेशन को। धमाकेदार तरीके से आज क्लास होनी चाहिए। कोई पर्सन है ए जो किसी काम को 15 दिन में करता है, आपको ये बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि कोई पर्सन ए किसी काम को 15 दिन में करता है और कोई पर्सन बी है जो उसी काम को, सेम वर्क को, 12 दिन में फिनिश कर सकता है। पर्सन ए कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज एंड द सेम वर्क फिनिश्ड बाई बी इन 12 डेज। इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अगर ए और बी दोनों काम को करने में लग जाए तो कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। आप देखो, आप यहाँ पर क्या करते थे, जब तक आप एकेडमिक्स पढ़ रहे थे, जब तक आप छोटी क्लासेस में थे, आप टोटल वर्क को 1 मान लेते थे। आप टोटल वर्क को क्या मान लेते थे? 1। आप टोटल वर्क को 1 मान लेते थे। आप बोलते थे कि टोटल 15 दिन में काम होता है, टोटल काम 1 है, तो एक दिन में काम कितना होगा, 1 डे में काम कितना होगा, बोले 1/15। ए एक दिन में काम कितना करेगा, बोले 1/15। वहीं पूछते थे कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी इन 1 डे, तो बोलते थे बी करेगा 1/12। अच्छा, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए करेगा 1/15, बी करेगा 1/12। ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 15 और 12 का एलसीएम ले लो, 60 जाएगा, 15 से 4 बार और 12 से 5 बार। तो हम बोलते थे 9/60 काम ये एक दिन में करेंगे। एक दिन में ये कितना काम करेंगे, 9/60 वर्क करेंगे। बोले पूरा 1 वर्क कितने दिन में कर देंगे, तो हम बोलते थे 1/9 9/60, 9/60 डेज में कर देंगे, 1/9/60 डेज में कर देंगे। तो आप इस चीज को क्या बोलने लग रहे होते थे बेटा, कि 60 जाएगा सर ऊपर, तो 60/9 डेज में आंसर यही होता था हमारा, कि 60/9 डेज में ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन ये तो तब था जब हमें
एक एक स्टेप करने के मार्क्स मिलते थे बेटा, हर एक स्टेप करने के मार्क्स मिलते थे, तो हम स्टेप्स को इतना बढ़ा के कर रहे होते थे आराम से और आंसर निकाल रहे होते थे। लेकिन आज हमें स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिल रहे, आज हमें मार्क्स इस बात के मिल रहे हैं कि हम क्वेश्चन को कितना फास्ट कर रहे हैं, आज हमें मार्क्स इस बात के मिल रहे हैं कि हम क्वेश्चन को कितना फास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज जो आप टोटल वर्क मानोगे वो आप 60 आप 1 यूनिट नहीं मानोगे, आप 15 और 12 का एलसीएम लेके आप टोटल वर्क को 60 मानोगे। आप टोटल वर्क को क्या मानोगे मेरे भाई, आप टोटल वर्क को ही 60 मान लोगे। अगर टोटल वर्क 60 है, 15 दिन में काम किया जा रहा है, 60 काम 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? आप बोलोगे कि सर एक दिन में 4 काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 4 वर्क करेगा। 60 काम कर रहा है बी और 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बी? 5 काम करेगा एक दिन में। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 9। काम किया जाना है 60, एक दिन में काम करेंगे 9, तो क्या 60/9 डेज में ही काम हो जाएगा? जो आंसर तब आना था वो आंसर अब आया है और आपको बात समझ आ रही है। बोलो हाँ या ना, बात समझ आ रही है या नहीं? एकदम क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को शुरू, अच्छा क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और चीज, आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको ये बोलूं, एक फॉर्मूला और लिखा देता हूं। ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, ए किसी काम को एक्स डेज में करता है और बी उसी काम को वाई डेज में करता है। ए किसी काम को एक्स डेज में करता है और बी उसी काम को वाई डेज में करता है। अगर दोनों मिलकर काम को करें, एक सेकेंड रुको, पता नहीं क्या हुआ ये, अगर दोनों मिलके काम को करें तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, कितना जाएगा? एक्स वाई। ये आपका आ गया टोटल वर्क, ये आपका क्या आ गया? टोटल वर्क। और अगर आप एक्स से एक्स वाई को डिवाइड करोगे, एक्स वाई को आप डिवाइड करोगे एक्स से, तो एक्स से एक्स कटेगा, एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई? अगर आप एक्स वाई को डिवाइड करोगे वाई से, तो वाई से वाई कटेगा, बचेगा क्या? एक्स। तो आप मुझे बताओ, ये एक दिन में वाई, ये एक दिन में एक्स, दोनों मिलके एक दिन में कितना? एक्स प्लस वाई। तो अगर बोला जाए कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम, इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क एक्स वाई है और एक्स प्लस वाई एफिशिएंसी के साथ किया जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि जो भी डेज दे रखे होंगे उन दोनों डेज का प्रोडक्ट ऊपर, उन दोनों डेज का प्रोडक्ट ऊपर और उन दोनों डेज का सम नीचे, ये ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे वो निकल के आ जाएगा यहां से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, देखता हूं सबसे फास्ट आंसर कौन भाई देता है मुझे, यहां पर सबसे फास्ट कौन करता है इस क्वेश्चन का आंसर, ये मुझे यहां पर देखना है। सबसे फास्ट कौन आंसर मुझे बताता है ये देखना है, फिर मैं आपको दो तीन अप्रोचेस बताऊंगा। जल्दी बताओ फास्ट, सबसे तेज आंसर कौन बताएगा? सबसे तेज जिद है यहां पर सिर्फ सबसे तेज क्वेश्चन को करने की, और कुछ बात है ही नहीं, जो सबसे तेज करेगा वही तो जीतेगा। जल्दी बताओ सबसे तेज कौन करेगा, बताइए फटाफट से बताइए। बारह आ रहा है धीरज का, रोहित का टू आ रहा है, टू तो ऑप्शन भी नहीं है भाई रोहित, टू ऑप्शन में भी नहीं है, टू ऑप्शन में ही नहीं है रोहित। 12 वेरी गुड धीरज, रोहित और कोई, और कोई मेरा भाई? चलो देखो, सबसे पहली बात, ए किसी काम को करता है 30 दिन में और बी उसी काम को करता है 20 दिन में। ए 30 दिन में और बी 20 दिन में, आप दोनों का एलसीएम लोगे जाएगा 60। 30 से काटोगे दो बार और 20 से काटोगे तीन बार, दोनों की एफिशिएंसी आ गई 5, 60 काम को 5 की एफिशिएंसी करोगे 12 दिन में हो जाएगा 12 डेज। 12 डेज आपका आना चाहिए आंसर। दूसरा, इसे करने का सही तरीका क्या है कि आप एक काम करो, ए कितने दिन में करता है 30 दिन में और बी कितने दिन में करता है 20 दिन में, आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। यहां से निकल के आ जाएगा कि ए और बी कितने दिन में करेंगे, ए 30 दिन में बी 20 दिन में, दोनों का सम नीचे कर दो 30 प्लस 20 50, 0 से 0 कटेगा, 5 से 6 बार कटेगा और 6 दूनी 12 आंसर। जब भी दो लोगों का आए आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं कुछ और आपको ऑप्शन देता हूं, जैसे मैं कुछ और बोलता हूँ, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे एक बार बताना, आगे अभी बढ़ूंगा, पहले इस चीज को सॉल्व करो। मुझे बताओ, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तो ए और बी उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे? जल्दी बताओ, ए और बी उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे? फास्ट बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट 60/7। आपको करना क्या है, 20 × 15 और ये डिवाइड में 20 + 15 = 35, 5 से ये 7 बार, 5 से ये 3 बार, 20 × 60/7, 60/7 डेज। बताओ बात समझ आ रही है क्या? 60/7, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2, एक बार सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर टू को करिए सॉल्व और मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर टू को करिए सॉल्व और मुझे बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. बताइए. जिसने सेशन को शेयर नहीं किया शेयर वेयर करते रहना, बहुत जरूरी है भाई शेयर करना. क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बताइए फटाफट से बेटा. क्वेश्चन नंबर टू को बताइए फटाफट से. फाइव डेज आ रहा है. बोला ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज 15 डेज एंड 20 डेज. ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में और सी उसी काम को 20 दिनों में निपटाते हैं. ए 12 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन. 15 12 20 का एलसीएम कितना जाएगा 60. अगर आप इनकी एफिशिएंसी निकालोगे, देखो जो वन डे वर्क होता है ना बेटा, जैसे यहां पर आप क्या निकालते हो वन डे, एक दिन में कितना काम किया, वन डे वन आवर वन मिनट, ये सारा क्या होता है, यही आपकी एफिशिएंसी होती है. तो इसे आप एफिशिएंसी भी बोल सकते हो. एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता. ये क्या होता है, इसे आपने टोटल वर्क मान रखा होता है. इसे आपने क्या कर रखा होता है, इसे आपने टोटल वर्क मान रखा होता है. तो मेरे भाई अब आप देखो, 12 से काटोगे 5 बार, 15 से काटोगे 4 बार और 20 से काटोगे तो 3 बार. अब बोल रहा है इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क. अगर वे तीनों मिल जाएं, अगर वे तीनों मिल जाएं तो ये तीनों लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 4 9 और 3 12. एक दिन में कितना काम करेंगे, 12. काम कितना है आपका, 60. एक दिन में काम करते हैं 12, तो 60 काम कितने दिन में कर लेंगे, बोले 5 दिन. 5 डेज. 5 डेज विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी एकदम सही है, एकदम सही. क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाओ और इसे करो सॉल्व और मुझे बताओ आंसर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड करिए सॉल्व, बताइए आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करिए और आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करिए और आंसर बताइए. बताइए भाई, बताइए फटाफट से. क्वेश्चन नंबर थ्री. ए कैन डू अ वर्क इन 2 आवर्स, बी डू द 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर्स. बोला ए किसी काम को, जो ए है ना, वो किसी काम को 2 घंटे में खत्म कर लेता है, 2 घंटे में. अच्छा, बी के बारे में बोला गया है बी डू द 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क. बी इसी काम का 3 गुना काम. अच्छा, ए अगर एक काम को करता है 2 घंटे में, बी इसी काम का 3 गुना काम, मतलब 3 काम करता है कितने घंटे में, 8 घंटे में. बी अगर 3 काम 8 घंटे में करता है तो उतना ही जितना ए ने किया है. एक काम कितने घंटे में करेगा, बोले 8 बटे 3 घंटे. तो बी उसी काम को करता है 8 बटे 3 घंटे. बी उसी काम को करता है 8 बटे 3 घंटे में, 1 आवर आ रहा है. बोला गया है कि सी उस काम को कर देता है 8 घंटे में. सी उस काम को कर देता है 8 घंटे में. सी कितने घंटे में करता है, 8. ये सब मिटा देते हैं. अब आपको बोला गया है कि आप ये बता दो कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे. तो आप तीनों का एलसीएम ले लो, कितना जाएगा, 2 8 और 8 का एलसीएम जाएगा 8. 2 से 8 कितने बार कटेगा, 4 बार. अच्छा, अब इस 8 को डिवाइड करना है 8 बटा 3 से. तो मुझे बताओ बेटा 3 ऊपर जाएगा, तो 8 इंटू 3 बटे 8 और 8 से 8 कटेगा 3 आ जाएगा. इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3. इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3. क्लियर और नॉट, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी बेटा, 3. आगे बोला गया है कि 8 से 8 को काटोगे तो 1. इन तीनों की, तीनों मिलके काम को करेंगे तो कितना काम करेंगे, आप बोलोगे 4 3 7 और 1 8. तो 8 काम को एक दिन में, ये लोग 8 काम करते हैं, तो 8 काम कितने दिन में कर रहे हैं, एक ही दिन में तो कर रहे हैं. तो वन डे विल बी योर करेक्ट आंसर. वन डे या वन आवर, वन आवर में बात चल रही तो इसे वन आवर कर देना कि वन आवर में काम खत्म करते हैं, वन आवर. वन बेटा बच्चे बढ़ाओ, लाइव और लाइव लेके आओ बच्चों को, है ना, शेयर वेयर करो सेशन को. क्वेश्चन नंबर 4. ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डेज, ए किसी काम को 20 दिन में, बी इन 5 डेज, बी उसी काम को 5 दिन में करते हैं. ए 20 दिन में करते हैं और बी 5 दिन में करते हैं. ए 20 दिन में और बी 5 दिन में. इफ सी टेक्स एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स, सी उतना ही समय लेता है जितना ए और बी दोनों मिलकर लेते हैं. सी उतना ही समय लेता है जितना ए और बी दोनों मिलकर लेते हैं. आप निकालो यहां से कि ए और बी कितना समय लेते हैं. आप इनका टोटल वर्क निकालोगे 20, 20 से काटोगे एक बार और 5 से काटोगे 4 बार. अच्छा मुझे बताओ, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं, 5.
काम कितना है 20, 5 की एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो 4 दिन लगाएंगे। मतलब ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में करते हैं। जितने दिन में ए और बी करते हैं सी भी उतने ही दिन में करता है। इसका मतलब सी भी इस काम को 4 दिन में करता है। सी भी इस काम को कितने दिन में करता है बेटा? 4 दिन में करता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर सी का भी लगा लो कि सी कितने दिन में करता है? 4 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? हम बोलेंगे 5। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? हम बोलेंगे 5। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी बताओ? अरे आप सी की एफिशिएंसी बोलोगे तो कितनी आएगी भाई? तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। बोलो हाँ या ना? अब बोला है तो वे तीनों मिलकर कितने समय में उस कार्य को समाप्त करेंगे? तो तीनों मिलकर अगर करेंगे तो 5, 4, 9 और 1, 10। 10 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। काम है 20, एफिशिएंसी है 10, तो क्या सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में कर देंगे? 2 डेज में काम हो जाएगा क्या कंप्लीट? ओनली इन टू डेज। क्या बात समझ आई है? हाँ, 2 दिन रोहित गोस्वामी। एक तो इसे करने का तरीका ये हो गया, एक डायरेक्ट अप्रोच भी है इस क्वेश्चन के लिए। क्या है समझो, डायरेक्ट अप्रोच क्या है? इधर देख। हाँ वेरी गुड। एक डायरेक्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की पता है क्या? देखो एक चीज तुम समझो, तुम्हें ये बोला गया है कि जितने दिन में ए और बी काम को करते हैं उतने ही दिन में सी अकेला काम को करता है। तो मैं ये मानूं कि जो डेज है ना, अगर ए और बी एक दिन में करते हैं तो सी भी एक दिन में करता होगा। अच्छा, अगर टाइम इन्हें सेम लग रहा है, इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी भी क्या होगी? इनकी एफिशिएंसी भी सेम होगी ना। मतलब ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी? 4 और 1, 5। अगर ए और बी की एफिशिएंसी 5 है मेरे भाई, इसका मतलब है कि सी की एफिशिएंसी भी 5 है। तो आप डायरेक्ट भी सी की एफिशिएंसी 5 निकाल सकते थे, और फिर ये निकालने की, सी के डेज निकालने की जरूरत ही नहीं थी। तीनों की एफिशिएंसी मुझे पता चल जाती 10 है, और 20 काम को 10 एफिशिएंसी के साथ कराता, 2 दिन में हो जाता। ये डायरेक्ट करने का इसे तरीका हो जाता, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की ये अप्रोच हो जाती। बताइए कि समझ आई है ये अप्रोच? सारे के सारे स्टूडेंट को ये अप्रोच समझ आई है या नहीं? अगर आई है तो अगले क्वेश्चन पर बढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा। अगर ये अप्रोच समझ आई है तो अगले क्वेश्चन पर बढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। बताइए, क्वेश्चन आपको ये बोला गया है मेरे भाई, एक सेकंड। क्वेश्चन आपको ये बोला गया है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 और 12 डेज। ए किसी काम को 10 दिनों में 10 डेज, और बी उसी काम को 12 दिनों में 12 डेज में करता है। ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 12 दिनों में फिनिश करता है। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, ए और बी ने काम को शुरू किया एक साथ। अच्छा, 10 और 12 का एलसीएम कितना जाएगा? 60 चला जाएगा। 10 से 6 बार और 12 से बेटा कितने बार? 5 बार। बोला ए और बी ने काम की शुरुआत एक साथ की और 3 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला गया। देखो इधर सुनो, ए और बी दोनों मिलके लगे रहे, एक साथ लगे रहे, और 3 दिन बाद अगर ए काम को छोड़कर चला गया तो 3 दिन तक तो दोनों ने काम कर लिया साथ में। 3 दिन तक दोनों ने काम कर लिया। अब मुझे बताओ, ए और बी ने ए चला गया छोड़ के, तो अब कौन काम करेगा? बी करेगा। मुझे एक चीज ये बताओ कि ए और बी ने अगर 3 दिन तक काम किया है, ए एक दिन में कितना करता है? 6, और बी एक दिन में कितना करता है? 5। दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? 11। और 3 दिन तक काम किया है तो क्या इन लोगों ने 33 काम कर लिया होगा? बेटा 60 काम था, 60 में से 33 काम हो चुका है, तो काम बचा कितना? 28। इस 28 काम को किसने किया होगा? बोले सर बी करेगा। बी इस 28 काम को बी ने किया होगा, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 28 काम को कितने दिन में करेगा? 5/25, 3/5 दिन। 5 सही, 3/5 दिन। अच्छा, 28 नहीं 27, ये हमेशा ही मैं गलत क्यों करता हूँ? 28 नहीं 27 है, ये 2/5 हो जाएगा, 27। तो ये कितना हो जाएगा? 2/5। 5 सही, 2/5 दिनों में। तो आप एक चीज समझो कि 3 दिन तो ये लगे थे, ये वाले 3 दिन, और 5 सही 2/5 दिन ये लग गए, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ है? आप बोलोगे 8 सही 2/5 दिन में काम कंप्लीट हुआ। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप कि सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आया होगा, और अगर समझ आ गया है तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दो और इस सेशन को शेयर कर दो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर ये समझ आया है आपको तो। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। डू इट योर सेल्फ, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट।
हाँ जी हो गया सॉल्व क्या? 12 दिन रोहित का आ रहा है, वेरी गुड। देखो बोला ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को कितने दिनों में? 15 दिनों में समाप्त करते हैं। 10 और 15 का एलसीएम लोगे कितना जाएगा भाई? 30। 10 से काटोगे 3 बार और 15 से काटोगे 2 बार। ये इनका एलसीएम चला गया इतना। अब देखो आगे, आगे सुनो। बोला ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क। ए और बी ने काम शुरू किया एक साथ और 2 दिन बाद ए काम को छोड़ के चला गया। अच्छा ए अगर 2 दिन बाद काम को छोड़ के चला गया है तो 2 दिन में इसने काम कितना किया होगा? 6। अगर ए ने 6 काम किया है तो बचा हुआ 24 काम किसने किया होगा? बचा हुआ 24 काम अकेले बी ने किया होगा। और तुम्हें पता है कि बी कौन सा बंदा है? बी वो बंदा है जो डे 1 से लेकर और डे लास्ट तक काम करता है। डे 1 से लेकर डे लास्ट तक काम करता है। तो मुझे अगर ये पता चल जाए कि बी कितने दिनों तक काम करता है, अगर ये मुझे पता चल जाए कि बी कितने दिनों तक काम करता है, तो मैं ये बता दूंगा कि काम कितने दिन में खत्म हुआ है। तो देखो 24 काम किया है बी ने 2 की एफिशिएंसी के साथ। बी कितने दिन तक काम करता है? बोले 12 दिन तक काम करता है। अगर बी 12 दिन तक काम करता है, इसका मतलब काम बी कितने दिन में खत्म हुआ है? 12 ही दिन में खत्म हुआ। दैट्स इट। बी 12 दिन तक काम करता है, इसका मतलब काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 12 ही दिन में खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 सुनो। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं खत्म। आप 10 और 15 का एलसीएम लिए हो, 30 गया है। 10 और 15 का एलसीएम कितना गया बेटा? 30 गया है। 10 से काटोगे 30 को 3 बार और 15 से काटोगे 30 को 2 बार। हाँ या ना? 10 के पाड़े में 30 आता है क्या? आता है। कितने बार कटता है? 3 बार। 15 के पाड़े में 30 आता है क्या? हाँ आता है। कितने बार कटता है? 2। बात समझ आई है क्या? इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर है सर। आप देखो ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट सम टाइम ए लेफ्ट, बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज। देखो सुनो, ये ए और बी ने काम को एक साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद आप ये मानो कि एक्स दिन तक तो इन लोगों ने साथ में काम किया, कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ के चला गया, तो काम को किसने किया होगा? बी ने। और काम 9 दिन में खत्म हुआ है, तो बी ने 9 माइनस एक्स दिन तक काम किया लास्ट में, क्योंकि एक्स दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया है, तो बी ने अकेले कितना काम किया है? तो 9 माइनस एक्स डेज तक। अच्छा ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5, और एक्स एफिशिएंसी के साथ काम करते हो तो 5x काम किया होगा। 5 एफिशिएंसी है ना, एक्स दिन तक काम किया तो 5x काम किया होगा। और बी ने कितना काम किया? बी की एफिशिएंसी है 2 और 9 माइनस एक्स तक। तो मुझे बताओ आप इसे ऐसे बोल पाओगे क्या कि ये ए और बी ने 5x काम किया जमा 9 दूनी 18 माइनस 2x काम बी ने किया है और काम टोटल कंप्लीट हुआ है 30? बोलो हाँ या ना? काम टोटल कितना कंप्लीट? पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ बेटा, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ऐसे ही बताता हूँ। मेरा ये तरीका है, हमेशा बेसिक जरूर बताता हूँ, बेसिक बताना मेरा परम उद्देश्य है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं छोटा हो गया हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं ये चीज़ लिखूंगा आपके सामने। तो देखो ये कितना है, 5x माइनस 2x वॉट 3x, और 30 माइनस 18 वॉट 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। इसका मतलब a और b ने 4 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद b ने 5 दिन काम किया और काम हो गया खत्म। तो यही पूछा गया है कि देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम a लेफ्ट द वर्क, तो 4 दिन बाद ही काम को छोड़कर चला गया था ऑप्शन। कितने दिन बाद चला गया था? 4 दिन बाद काम को छोड़कर चला गया था। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से समझ आया हो। अब देखो इसे करने का दूसरा तरीका, जो फास्ट करेंगे, फास्ट कैसे करेंगे, ये एक्स वैक्स मानना ही ना पड़े हमें। देख रहा हूं हनुमान जी वाली शक्तियां हैं, छोटा बड़ा होना आता है मुझे। देखो सुनो, आप ये देखो, उन्होंने ये बोला कि साथ में काम शुरू किया लेकिन एक कुछ दिन बाद काम छोड़ के चला गया और टोटल वर्क 9 दिन में कंप्लीट हुआ। आप मुझे बताओ, काम को छोड़कर ए गया है ना, तो बी तो पूरे के पूरे 9 दिन तक काम किया होगा। 2 एफिशिएंसी के साथ बी ने काम किया है। बी ने काम किस एफिशिएंसी के साथ किया है? बोले 2 एफिशिएंसी के साथ। और कितने दिन तक किया? बोले 9 डेज तक। तो 2 एफिशिएंसी के साथ 9 दिन तक काम करेगा। 18 काम किसने किया है? बी ने।
टोटल काम कितना था 30, 30 में से 18 काम अगर बी ने किया है तो 12 काम किसने किया होगा, अकेले ए ने, किस एफिशिएंसी के साथ, 3 एफिशिएंसी के साथ, तो बी ने क्या 4 दिन ही काम किया होगा और 4 दिन काम करके चला गया होगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहेगा, डायरेक्ट मेथड ये है। अब बता दो, समझ आई बात क्या, बताओ समझ आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार करो सॉल्व और मुझे आप लोग बताओ आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग एक बार सॉल्व करिए और मुझे बताइए आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 करिए सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को, ए कितने दिन में करता है 20 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है 30 दिन में। ए 20 दिन में और बी 30 दिन में, 20 और 30 का एलसीएम कितना जाएगा 60, 20 से 3 बार और 30 से 2 बार कटेगा। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क। आप ये मानो ए और बी ने काम की शुरुआत की, ए और बी ने काम की शुरुआत की और एक्स दिन तक ये लोग काम करते रहे, उसके बाद बी काम को छोड़कर चला गया और टोटल वर्क 16 दिन में हुआ है। इसका मतलब ए ने लास्ट में कितने दिन तक काम किया, 16 माइनस एक्स दिन तक, ए ने लास्ट में कितने दिन तक काम किया, तो हम बोलेंगे 16 माइनस एक्स दिन तक। तो आप ये देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और एक्स दिन तक काम किया तो 5x काम कर दिया। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, 16 माइनस एक्स दिन तक काम किया तो 16 थी 48 माइनस 3x। आपको पता है 5x जमा 48 माइनस 3x ये टोटल काम कंप्लीट हुआ है 60। हाँ या ना, बिल्कुल पक्का या कच्चा, बोले पक्का। आप बोलोगे 5x माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2x, और 60 माइनस 48 कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर आ गया 6। मतलब इन्होंने साथ में मिलकर 6 दिन तक काम किया फिर बी चला गया, साथ में मिलकर 6 दिन तक काम किया और फिर बी चला गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सिक्स डेज। ये इसे करने का एक तरीका हुआ, ये इसे करने का बेटा एक तरीका हुआ। अब मैं इसे करने का बताता हूँ आपको दूसरा, इसे करने का दूसरा मेथड समझो। ये एक्स वैक्स हटाओ, एक्स वैक्स बिल्कुल ख़त्म करो। सुनो सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड क्या होगा, समझने वाला रहेगा और मज़ा आएगा, पक्का आएगा पक्का। आपको ये बोला कि इन लोगों ने साथ में काम शुरू किया लेकिन बी लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क इन 16 डेज। अच्छा, बी काम को छोड़कर चला गया और काम 16 दिन में हुआ, इसका मतलब ए तो पूरे के पूरे 16 दिन तक काम करता है, तो 16 दिन में इसने कितना काम किया होगा 48, 60 में से 48 काम ए ने किया तो बी ने कितना काम किया 12, और 12 काम किया 2 एफिशिएंसी के साथ तो 6 दिन में काम किया होगा। मतलब 6 दिन तक काम करता और उसके बाद छोड़ के चला जाता है, दैट्स इट। 6 दिन तक काम करता है बी और छोड़ के चला जाता है। इतनी बड़ी लेंदी लैंग्वेज और उसका इतना छोटू सा सॉल्यूशन तुम देख रहे हो, लेकिन ये आएगा कब, जब बेटा बहुत प्रैक्टिस कर चुके होगे, जब सारी चीज़ों का मंथन आपने बहुत बार कर रखा होगा ना, तब ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, वरना आप लोग ऐसे ही फंसे रहोगे हमेशा और आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी लगेंगी। बात समझ रहे हो बेटा, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कैसी लगेंगी, हेलो सविता, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लगेंगी। तो आपने करना क्या है, डेली के डेली आपको एटलीस्ट कुछ नहीं करना तो लाइव सेशंस में तो आपको डेली के डेली आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट चलो करो, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर नाइन करिए सॉल्व, बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, करो 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 फटाफट से करो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व, फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा बहुत मजा होगा आज। देखो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में। ए 20 दिन में और बी कितने दिन में बेटा 30 दिन में, बी इन 30 डेज। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ए और बी दोनों ने काम को एक साथ शुरू किया बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क। अच्छा, इनकी एफिशिएंसी कितनी जाएगी 60, इनका टोटल वर्क कितना जाएगा 60, 20 से 3 बार और 30 से 2। अब सुनो क्वेश्चन को आगे समझो। हाँ वेरी गुड, बोला है कि ए और बी ने काम को एक साथ शुरू किया लेकिन कुछ दिन बाद बी काम को छोड़कर चला गया और बचा हुआ काम ए ने 10 दिन में किया। अच्छा,
आपको ये बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलके काम की शुरुआत की है, ए और बी ने दोनों ने मिलके काम की शुरुआत की है, और एक्स दिन तक इन लोगों ने काम किया होगा। कुछ टाइम बाद बी काम को छोड़ के चला गया और बचा हुआ काम ए ने अगले कितने दिनों में कर दिया, 10 दिन में कर दिया। आप मुझे एक चीज ये बताओ। हाँ जी, इधर समझो, इधर समझो कि यहां पर ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो 5x काम कर देंगे, और ए ने बचा हुआ काम 10 दिन में किया, ए की एफिशिएंसी कितनी, 3 × 10 दिन में काम किया तो 30 काम कर दिया। तो आप ये बोलोगे 5x + 30 जो काम है ना वो बराबर है 60 के, तो 5x = 30 के आ जाएगा, तो x = 6 आ जाएगा। इसका मतलब एक्स 6 दिन तक इन लोगों ने साथ में काम किया है, और फिर 6 दिन बाद बी काम को छोड़ के चला गया। उन्होंने बोला बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो 6 दिन बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो 6 दिन बाद। एक तो इसे करने का ये वाला तरीका है, सेकेंड मेथड समझो बेटा इधर, कि एक्स ना मानना पड़े, एक्स ना मानना पड़े बस। अब हमारा क्या तरीका है कि एक्स ना मानना पड़े, किसी भी सूरत में एक्स ना मानना पड़े। तो आप समझो ए ने बचा हुआ काम 10 दिन में किया है, तो बचा हुआ काम अगर 10 दिन में किया है, इसका मतलब 30 काम किया है 10 दिन में। तो आप मुझे बताओ अगर 30 काम उसने 10 दिन में किया है, तो बचा हुआ जो 60 में से 30 है, वो 30 इन दोनों ने मिलकर शुरुआत में साथ में काम किया होगा, और 5, 3 और 2, 5 एफिशिएंसी के साथ शुरुआत में काम किया होगा, तो 30 काम 5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में किया होगा, 6 दिन में। मतलब मिलकर 6 दिन तक काम किया होगा, और 6 दिन बाद भी काम छोड़कर चला गया होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताओ। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करिए सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 करिए सॉल्व भाई, क्वेश्चन नंबर 10 को करिए सॉल्व भाई। देखो बोला गया है टू मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 और 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। एक मैन है ए और एक मैन है बी, ए किसी दीवार को 15 घंटे में और बी उसी दीवार को 20 घंटे में बनाते। 15 और 20 का एलसीएम लोगे 60 जाएगा, 15 से 4 बार और 20 से 3 बार। ये मानो कि ये जो दीवार है ना इसमें ये 60 ईंटें लगी हुई हैं, तो ये जो ए है ना ये 4 ईंट प्रति घंटा लगाता है, और जो बी है ना ये 3 ईंट प्रति घंटा लगाता है। बी कितना लगाता है, 3 ईंट प्रति घंटा। अनअकैडमी पर आपने सारा लेक्चर अटेंड किया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो देखो ए 15 घंटे में 60 ईंटे लगाता है, 4 ईंट प्रति घंटा लगाता है। बी 20 घंटे में 60 ईंटे लगाता है, 3 ईंट प्रति घंटा लगाता है। तो आप यहां पर एक चीज ये समझो मेरे भाई कि अगर दोनों मिलकर लगाएंगे तो 7 ईंट प्रति घंटा लगाएंगे। एवरी आर वो 7 ईंट्स लगा रहे होंगे, सॉरी 7 ब्रेक्स लगा रहे होंगे, ईंट्स कुछ नहीं होता। लेकिन बोला है कि अगर वो दोनों मिलके काम करें तो 280 ईंटें कम लगाएंगे और 12 घंटे में काम को खत्म करेंगे। काम कितना है आपका, 60 ईंटें लगाना। अगर 12 घंटे में खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 5 ईंट प्रति घंटा लगा रहे हैं। दोनों मिलके बैठ रहे हैं ना तो 5 ईंट प्रति घंटा लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लगानी चाहिए 7 ईंट प्रति घंटा, लेकिन लगा कितना रहे, 5 ईंट प्रति घंटा। तो कितनी ईंटें कम लगा रहे, बोले 2 ईंट प्रति घंटा कम लगा रहे हैं। 2 ईंट प्रति घंटा हमारे हिसाब से कम लगा रहे, वो बोले 280 ईंट प्रति घंटा कम लगा रहे हैं। तो 2 की वैल्यू बेटा 280 है। अगर 2 की वैल्यू 280 है तो 1 की वैल्यू 140, और आपसे बोला है टोटल ईंट कितनी है, तो 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 × 140 = 1484 ईंट लगाते होंगे टोटल। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी। सर एक प्रॉब्लम, सर जितनी आप पीडीएफ देते हो उसके डाउट को सॉल्व नहीं करवाते हो। बेटा डाउट आप पूछोगे ना, अगर आप लाइव सेशन में आके डाउट पूछोगे ना तब डाउट बताऊंगा ना। आप लाइव सेशन में आओ, आप अपने डाउट्स पूछो, मैं डाउट बिल्कुल बताऊंगा। अब आप ये बोलो कि मुझे सपने आएंगे कि आपको कौन सा डाउट आ रहा है, तो वो मैं बता दूं, ऐसे कैसे मुझे पता चलेगा। आपको लाइव आना पड़ेगा पलक सिंह, और आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वहां पर लाइव आने के बाद आपको पूछना पड़ेगा आपका डाउट, तब मैं डाउट क्लियर करूंगा। मुझे सपना आ जाए, रात में शिवजी आए मेरे सपने में और वो बताएं कि सर न्यू बैच मेरा आ चुका है अकेडमी पर, वो मुझे बताएं कि पलक सिंह का ये डाउट आ रहा है, बता दो, तो मैं बता भी दूं। लेकिन वो शिवजी मेरे सपने में भी नहीं आते, मैं क्या करूं बताओ।
नया बैच मेरा आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को करिए। बोला गया टू मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 hours and 10 hours रेस्पेक्टिवली, दो आदमी है जो किसी दीवार को 9 घंटे और 10 घंटे में बनाते, एक आदमी इसे बनाता है 9 घंटे में और दूसरा आदमी इसे बनाता है 10 घंटे में। एक आदमी 9 घंटे में और दूसरा 10 घंटे में, 9 और 10 का एलसीएम कितना जाएगा 90 ईंटे लगाते ये लोग, 9 घंटे में 90 ईंटे लगाते, 1 घंटे में कितनी लगाएंगे 10, 1 घंटे में कितनी लगाएंगे 10, अरे हाँ या ना, 1 घंटे में 10, अच्छा 9 घंटे, 10 घंटे में 90 ईंट लगाते, 1 घंटे में कितनी लगाएंगे 9, दोनों मिलके ईंटें कितनी लगा रहे हैं 19 ईंट इन्हें लगानी चाहिए, बट हो क्या रहा है, बट दे वर्क टुगेदर देन दे यूज 10 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 5 hours। अच्छा ये 90 ईंटें अगर लगाते हैं और 5 घंटे में काम करते हैं तो हर एक घंटे कितनी ईंटें लगाते हैं 18, इन्हें लगानी कितनी चाहिए 19, ये लगाते कितनी 18, कितनी ईंटें कम लगा रहे बोले 1, लेकिन क्वेश्चन तो बोलता है 10 ईंटें कम लगाते, 1 की वैल्यू 10, तो टोटल 90 की वैल्यू कितनी ईंटें हो जाएगी 900 ईंटें, इसका मतलब इन्हें टोटल कितनी ईंटें लगानी है 900 ईंटें लगानी है, 900 ब्रिक्स इन्हें लगानी है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बताइए क्या बात समझ आई है, इज इट क्लियर और नॉट, अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलो, बहुत गजब क्वेश्चन है, आप ये समझ लो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाने लग रहे होते हैं, आप सारे बच्चे जरूर करोगे मुझे पता है, बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ आंसर। बोला है टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट बर्न्स कंप्लीटली इन 4 hours and 6 hours रेस्पेक्टिवली, दो आपके पास कैंडल है, कितनी कैंडल है आपके पास, दो, जिनकी हाइट सेम है, आप ये मानो एक कैंडल है आपकी, ये मैं आपके सामने कैंडल भी बना रहा हूँ, देख रहे हो आप, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, ये दोनों की हाइट हो गई सेम, दोनों की हाइट सेम है, एक चल जाती है 4 घंटे में और दूसरी चल जाती है 6 घंटे में, तो 4 और 6 का एलसीएम जाएगा तो कितना 12 आ जाएगा, तो ये हर घंटे कितना जलेगी 3 जलेगी हर घंटे, और ये कितना जलेगी हर घंटे 2 जलेगी हर घंटे, ये कितना जलेगी 6 से 12 दो बार, तो ये हर घंटे 2 मीटर जल जाएगी, पहली वाली हर घंटे 3 मीटर जलेगी तो दूसरी वाली हर घंटे 2 मीटर जल जाएगी, दोनों की हाइट कितनी है 12 मीटर की है, मतलब ये हर घंटे 3 जलेगी, मतलब ये थोड़ी ज़्यादा जलेगी, ये थोड़ी ज़्यादा जलेगी, तो ये हर घंटे 2 मीटर ही जलेगी, ये थोड़ी कम जलेगी, ये जब तक इतनी जल जाएगी तब तक ये इतनी जलेगी 2 मीटर 1 घंटे में, लेकिन बोला गया है कि यदि इन दोनों की क्रमशः समान गति से जलाया तो कितने समय बाद ऊंचाई का रेशो 2:3, कितने टाइम के बाद ऐसा होगा कि इनकी जो हाइट का रेशो वो 2:3 रह जाएगा, 2:3 रह जाएगा, कितने टाइम के बाद इनकी हाइट का रेशो 2:3 रह जाएगा, तो वैसे शॉर्ट करने का तरीका तो ये है कि 3 और 2 5 और 12 को आप 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 × 10 और 2/5, 2 से 2/5 का मतलब है 2 घंटा, और 2/5 का मतलब होता है 2/5 को आप मल्टीप्लाई 60 से करोगे तो 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट बाद इनका ये हो जाएगा कि इनकी हाइट का रेशियो 2:3 रह जाएगा, ये ऐसे करने का शॉर्ट तरीका है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल बेसिक तरीका अगर आप देखना चाहते हो तो बेसिक अप्रोच क्या है इसकी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेसिक अप्रोच अगर आप देखना चाहते हो तो वो क्या देखो, आप ये मानो कि एक्स घंटे के बाद ऐसा हुआ होगा कि इनकी जो रेशियो है वो 2:3 रहा होगा, मतलब एक्स घंटे तक ये जल गई है, एक्स घंटे, आप मुझे बताओ पहली मोमबत्ती अगर 1 घंटे में 3 मीटर जलती तो एक्स घंटे में 3x मीटर जलेगी, और दूसरी मोमबत्ती 1 घंटे में 2 मीटर जलती है तो एक्स घंटे में 2x मीटर जलेगी, और इनकी टोटल लंबाई कितनी है 12 में से ये 3x जल गई, ये 12 में से 2x जल गई, और इनकी हाइट का रेशियो क्या रहेगा 2:3, क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो 12 × 36 माइनस 3 × 9x बराबर हो जाएगा 12 × 24 और माइनस 2 × 4x, बस 9 − 4 = 5x और 36 − 24 = 12, तो एक्स की वैल्यू आपको समझ आ रही है 12/5 आएगी, और 12/5 का मतलब क्या होता है 2 घंटे 4, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा बेटा, आंसर में कोई भी फर्क कोई भी चेंज कतई नहीं आना, इस बात की पूरी गारंटी है, आंसर में कोई भी फर्क नहीं आ रहा, 12/5 को 5 × 10 और 2 से 2/5 2 घंटा, और 2/5 का मतलब क्या, 2/5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट आ जाएगा ऑप्शन, बताओ समझ आई बात नहीं आई, अरे बोलो ना यार,
समझ आया या नहीं आया तब तो आगे बढ़ूं मैं, अगर समझ नहीं आएगा तो मैं यहीं पर अटका रहूंगा, और अगर समझ आ जाएगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। समझ आ गया ना? इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 13 हो रहा है आपके सामने। बोला है टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट कैन बर्न कंप्लीटली इन 12 आवर्स एंड 20 आवर्स। पहली 12 घंटे में पूरी जल जाती है और दूसरी 20 घंटे में पूरी जल जाती है। 12 और 20 का एलसीएम कितना है? 60। तो 12 से कटेगा बेटा कितने बार? 5 बार। और 20 से कटेगा कितने बार? 3 बार। तो ये 3 मीटर पर आवर जल रही है और ये 3 मीटर पर आवर जल रही है, 5 मीटर पर आवर जल रही है। अच्छा, इनकी जो हाइट का रेशियो वो 3:5, तो बिल्कुल बेसिक पे चले जाए तो वो है कि आप ये मान लो कि एक्स घंटे के बाद ऐसा हुआ होगा कि इनकी जो हाइट का रेशियो वो 3:5 गया होगा। एक्स घंटे के बाद ऐसा हुआ होगा तो आप मुझे बताओ कि टोटल 60 थी, 5 एक मिनट में 5 मीटर जल्दी, तो एक्स मिनट में कितना जलेगी? 5x मीटर। दूसरी वाली 60 में से कितनी जल गई? बोले एक मिनट में 3 मीटर जल्दी, तो एक्स मिनट में 3x मीटर जलेगी। और इनकी हाइट का जो रेशियो अब रह गया वो 3:5। आप इसे जब सॉल्व करोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 5 × 6 = 30, 300 माइनस 5 × 5 = 25 एक्स, और बराबर ये जाएगा 18 × 180 और माइनस कितना? 3×9 एक्स। तो 25 − 9 कितना हो जाएगा? 16 एक्स, और बराबर 300 − 180 16 × 120 एक्स बराबर 120/16 120/16 आ गया। हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 × 16 और 4 × 3 = 12, 30, 4 से काटोगे 4 × 7 = 28 और 2/4 का मतलब 7.5 घंटे बाद ऐसा होगा, 7.5 घंटे बाद ऑप्शन ए। लेकिन अब इसे करने का, इसे डायरेक्ट करने का तरीका क्या है? तो आप डायरेक्ट समझो इतने में, सिर्फ इतने में जो रेड वाला पोर्शन कर दिया। आपको करना क्या है? 60 है ना, 5 × 3 रहना है, 5 और 3 8 से आप सीधे सीधे से डिवाइड करोगे। अगर आप इसे 8 से डिवाइड करोगे तो 8 × 7 = 56 और 4/8 आएगा, जिसका मतलब है 7 से 1/2 7.5 घंटे आपका सीधे। मतलब ये वाली राम कहानी आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी पड़ेगी अगर आप इस वाले तरीके पे जाओगे, शॉर्ट मेथड पे जाओगे। क्लियर? पक्का? क्वेश्चन नंबर 14 करिए सॉल्व, एक बार आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, क्वेश्चन 14 का ये है, ये ऊपर आपको डेटा दे रखा है और डेटा का बेटा ये है क्वेश्चन, ऊपर डेटा और डेटा का बेटा ये है क्वेश्चन, करो सॉल्व, करिए बताइए, सॉल्व करिए और बताइए, सॉल्व इट बताइए, करो सॉल्व, बताओ आंसर। करिए सॉल्व, बताइए आंसर, आराम से सॉल्व करो, कोई समस्या ही नहीं है। और एक बार सेशन को लाइक और कर देना, शेयर भी कर देना। चलो अब एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं ना, अब ये क्वेश्चन नंबर 15 से मैं आपको कल सॉल्व कराता हूँ। सुबह 6 बजे क्लास लूंगा, टाइम एंड वर्क की डेली सुबह 6 बजे क्लास होगी, आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। सुबह 6 बजे अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड पर डेली टाइम एंड वर्क आपको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट कराने की मेरी गारंटी है। सुबह 6 बजे डेली क्लास होगी, ठीक है? अगर आप क्रैक करना चाहते हैं सीडीएस एफकेट और सीएपीएफ एग्जाम को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, तो यू विल गेट एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जहाँ पर आपको 3042 से ज़्यादा कोर्सेज मिलेंगे सीडीएस एफकेट और सीएपीएफ की कैटेगरी में। अगर आप इन कोर्सेज को लेते हैं देन व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, यू विल गेट लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, यू विल गेट स्ट्रक्चर्स कोर्सेज, यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस। इन सब के साथ साथ आपको लाइव क्लासेस में इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। और बेटा अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं फ्री कंटेंट को, तो आप मेरा रेफरल कोड याद रखना एमपी सर लाइव, और यहाँ पर आप मेरा फ्री कंटेंट मतलब कि स्पेशल क्लासेस, जो भी जितने भी आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं सारी की सारी आपकी स्पेशल क्लासेस का आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा, और आप स्पेशल क्लासेस को एकदम फ्री कर पाएंगे।
जहाँ भी आपको स्पेशल क्लासेस का देखिए आप सीधे सीधे एमपीएससी लाइव लगाइए वहाँ पर। और बेटा आप यहाँ पर अगर अनअकैडमी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इन्हें फॉलो करके आप अनअकैडमी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, अपने प्ले स्टोर से लॉग इन करना है, उसमें अपना फोन नंबर डालकर गोल को सेलेक्ट करना है, मेन्यू बटन पर जाकर प्लस के आइकन को क्लिक करना है, लेवल टेस्ट पर जाकर बॉटम में जाना है, ज्वाइन क्विज करना है, वहाँ पर एंटर कोड मांगेगा, कोड में आपको एक एडुकेटर होस्ट या कुछ भी करेंगे वो आपको कोड देंगे, उस कोड को आपको डाल देना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से करो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस के पीडीएफ मिलते हैं और यहीं पर आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते हैं। और यहाँ पर अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरीज हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, आपके सारे एडुकेटर आपको यहाँ पर मिलते हैं और वो तुरंत इंस्टेंटली आपको यहाँ पर आपके डाउट या क्वेरीज का आपको यहाँ पर आंसर करने लग रहे होते हैं। अगर आप सी डी एस एफ कैट या सी ए पी एफ की कैटेगरी में लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, एक साल की फीस है बेटा 2800 रुपये, रेफरल कोड एम पी सी लाइव डालने पर 7920, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12800 रुपये फीस है, और एम पी सी लाइव डालने पर अगर आप एम पी सी लाइव यूज करते हैं तो 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, ये फीस 11520 रुपये रह जाती है। तो अब देरी मत करो, फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो जिससे कि नोटिफिकेशन वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों के लिए पहुंचे, और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना जिससे कि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन और आपके डाउट्स वगैरह सारे के सारे टीचर्स आपको यहाँ पर क्लियर करते रहें। इसके अलावा बेटा यूट्यूब पर कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और भाई लास्ट आपको थैंक यू सो मच बोलूँगा, और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं, अनअकैडमी प्लस पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं तो रेफर कोड एम पी सर लाइव की हेल्प ले सकते हैं जिससे आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको 10% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस का। तो आप इसे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसके अलावा अब हम मिलेंगे कल सुबह 6 बजे, टाइम एंड वर्क की क्लास डेली होगी, डेली मुझे ज्वाइन करें अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड पर, यहाँ पर स्क्वाड पर मैं आपको डेली और डेली क्या ही कराऊंगा बेटा, अभी टाइम एंड वर्क फिनिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।